पंजाब में गरीबों के लिए इलाज और भी महंगा हो गया। पंजाब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 9000 अद्वियात की कीमतों में 15% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। दर्द, बुखार, कैंसर, हेपेटाइटिस और इमराज़े कल्ब की अद्वियात भी शामिल। अद्वियात की कीमतें पैकेज पर वाजे दर्ज की जाएं, कीमतों की फहरिस्त मेडिकल स्टोर्स पर आवेजा करना भी जरूरी करार। खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1 करोड़ रुपए और रिटेलर्स को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा, वफाकी हुकूमत का ऐलान। जिनेवा में कलदन तंजीमों की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान में शहर शहर मुजाहिरे, सोनी धरती से मोहब्बत का भरपूर इजहार, मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी तनकीद। सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पूंछ बटल सेक्टर पर भारतीय फौज की सिविलियन आबादियों पर फायरिंग और गोलाबारी, पाक फौज की जवाबी कार्रवाई। मसला कश्मीर जब भी आलमी सतह पर उजागर होता है तो भारत बुजदिलाना कार्रवाइयां शुरू कर देता है। निहत्ते शहरियों पर रोक जमाना भारत की भूल है। मुतासरीन के नुकसान की तलाफी के लिए तखमीना लगा रहे हैं वजीर दाखिला एहसन इकबाल। दहशत गर्दों का अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी सरहदी चौकी पर फिर हमला, राजगाल में चेक पोस्ट पर तैनात पाक फौज के लेफ्टिनेंट अरसलान आलम शहीद हो गए। पाक बहरिया ने फिजा से पानी में मार करने वाले मिसाइल का तजर्बा कर लिया। मिसाइल सीकिंग हेलीकॉप्टर से फायर किया गया जिसने खुले समंदर में हदफ को तहस नहस कर दिया। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्ला ने वेपन फायरिंग का शानदार मुजाहरा देखा। कोयटा की मकामी अदालत ने साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान और नवाब खैर बख्श मरी के साहबजादे गजैन मरी का 5 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। गजैन मरी के साथ साथी रिहा। एहतसाब अदालत में नेशनल बैंक में 18 अरब रुपए की करप्शन के मुकदमे की समाअत, साबिक सदर नेशनल बैंक अली रजा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का अदालती फैसला चैलेंज कर दिया। इंटर कोर्ट अपील दायर, लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। पीएमएलए ने इंशाल्लाह उनका साथ देगी, वो जो प्रपोजल सेनेट में लाना चाहते हैं। एहतसाब अदालतों में पेश हो या ना हो, वतन वापस आया जाए तो कब आया जाए। सलाह मशवरे के लिए शहबाज शरीफ भी लंदन चले गए। शाहिद खाकान अब्बासी और इसहाक डार पहले ही लंदन में मौजूद। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आज सोच विचार होगी। ने गोशवारों में जमाइमा से लिया गया कर्जा जाहिर नहीं किया। लंदन फ्लैट की फरोख से हासिल शुदा रकम भी जाहिर नहीं की। हनीफ अब्बासी ने इमरान खान नाअहली केस में दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। समाअत मंगल को होगी। फारूक सत्तार कहते हैं नाअहल शख्स सियासी जमात का सरबरा नहीं बन सकता। अगर एमक्यूएम के किसी रुकन ने इंतखाबी इस्लाहात बिल की हिमायत की है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पंजाब फूड अथॉरिटी का बहावलपुर में मुजरे से हद दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 200 लीटर से ज्यादा मुजरे दूध जब्त करके जाया कर दिया गया।
ट्रंप की एटमी मुआहदा खत्म करने की धमकी पर ईरान का रद्द अमल। बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया, 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मोबाइल फोन पर किए गए मैसेजेस ने जिंदगी बचा ली। मैक्सिको सिटी में जलजले से तबाह इमारत के मलबे तले दबी खातून को निकाल लिया गया। 7.1 शिद्दत के जलजले से अब तक 295 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। और साहिल को साफ सुथरा रखें, आबी हयात को बचाएं। WWF के तहत कराची में साहिल पर सफाई मुहिम का आगाज, तुलबा बढ़ चढ़कर शरीक। एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है, हमारे पोल्यूशन होता है, मरीन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। बाकी नेशंस को अगर देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सफाई सुथराई है, पर यहाँ पे लोग रूल से नहीं चलना चाहते हैं। जहाँ पे देखो कराची शहर में गंदगी है, सीव्यू तक को भी पल्यूट करके रखा हुआ है।